नाबालिगी रिक्शा चालकों द्वारा हो सकता है कभी भी। कोई बड़ा हादसा या टीओ अंबेडकर नगर व बस खारी। पुलिस की भारी लापरवाही के चलते बस खारी में बगैर लाइसेंस दर्जनों नाबालिग बच्चे ई रिक्शा चलाते हुए कभी भी देखे जा सकते हैं, जो अपनी जिंदगी के अलावा सवारियों की भी जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आते हैं। कोई 13 वर्षीय तो कोई 15 नाबालिग बच्चे बिना रोक टोक के बेखौफ बस खारी से दरगाह की सवारी ढोते हुए नजर आते हैं, जिन्हें ना तो बस खारी पुलिस का डर ना ही एआरटीओ अंबेडकर नगर का अकेले लापरवाही किसकी है। ई रिक्शा मालिकों की जो चंद रुपयों का लालच देकर इनसे ई रिक्शा चलवाते हैं, या फिर बस खारी पुलिस या परिवहन विभाग की, अगर इनसे एक्सीडेंट हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा, किसकी जवाबदेही होगी। बस खारी पुलिस को आजकल बड़ी मुस्तैदी के साथ बस खारी थाना क्षेत्र के हर बाजार चौराहे तिराहे पर दुपहिया व चार पहिया वाहनों का कागज और हेलमेट चेक करते हुए देखा जा सकता है, मगर बस खारी के मुख्य चौराहे पर बस खारी पुलिस के नाके नीचे ही ये नाबालिग बच्चे ई रिक्शा चलाते हैं, मगर बस खारी पुलिस को ये दिखाई नहीं देते।